Good evening student. We continue our chapters chapter 15. Assumptions based on experimental observation. Gregor John Mendel performs some experiment and what are the observations of this experiment that we will see <coughs> in this video. Following a certain assumptions on the basis of experimental observation, each character is represented by two factors. हर एक कैरेक्टर जो है ट्रेड जो है उसको दो फैक्टर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ऑफस्प्रिंग रिसीव वन फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट उसमें से एक कैरेक्टर जो है वो उनको पेरेंट से मिलता है उस कैरेक्टर को बोला जाता है इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड दिस इज हाउ एन ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज हैज न्यू पेयर ऑफ फैक्टर और उनमें जो नया फैक्टर आता है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट या एक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि पेरेंट में नहीं होता है वो अलग होता है अमंग अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसिसिव उसमें से एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसिसिव कन्फर्मिंग एथम्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्होंने एक कॉइन गेम बोला था एक्टिविटी दी है आपको दो दो कॉइन्स लेने हैं ए और बी के ए को आप मार्क करो इस तरह से मार्क करो कि जिसका हेड और टेल छिप ना जाए फिर आपको दोनों को एक साथ टॉस करना है टॉस करने के बाद आप देखोगे जब दोनों का हेड हेड आएगा तो आप इसको इस कॉलम में डालोगे हेड टेल आया तो इस कॉलम में टेल हेड आता है तो इस कॉलम में दोनों का टेल आता है तो इस कॉलम में, तो में इस तरह से आप फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम इस गेम को क्या करोगे खेलोगे और उसके बाद आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको देखेगा कि ये जो एच 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 टी टी एच और टी टी का परसेंटेज है वो कितना है नियरली ट्वेंटी फाइव परसेंट मीन्स वन इज टू वन इज टू वन इज़ टू वन मीन्स प्रॉबेबिलिटी ऑफ इच कैरेक्टर जो है वो कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंटेज एंड इफ वी वी इफ़ यू वुड हैव प्लेड विद द सेम कॉइन गेटिंग अ हेड और टेल इफ़

क्रॉसपोलिनेशन के बाद वाला तुरंत जो प्लांट मिला उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट उनको क्या मिले थे आ, पर्पल कलर के फ्लावर मिले थे और ट्वेंटी फाइव परसेंट वाइट कलर के फ्लावर थे उनका कहना है कि यदि हम एच एच को पर्पल कलर के फ्लावर मानते हैं और टी टी को हम लोग वाइट कलर के फ्लावर्स मानते हैं तो एच टी और टी एच में भी उनको पर्पल कलर के ही फ्लावर मिले क्योंकि यहाँ पे जो पर्पल कलर का कैरेक्टरिस्टिक था वो डोमिनेंट था इस वजह से आपको यहाँ पे भी पर्पल कलर के फ्लावर मिलते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव और ये ट्वेंटी फाइव इस तरह से ये सेवेंटी फाइव परसेंट आपको पर्पल कलर का फ्लावर मिला है ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट बॉर् वाइट फ्लावर्स अ टोटल ऑफ सेवेंटी फाइव वी विल हैव टू एड परसेंटेज ऑफ एच टी एंड टी एच कंडीशन टू एच एच कंडीशन एंड द स्टार्टिंग विद अ पेयर ऑफ कैरेक्टर पॉबेबिलिटी कैलकुलेशन स्टार्ट एड मैचिंग ऑब्जर्वेशन द प्रेजेंस ऑफ इवन अ सिंगल पर्पल फैक्टर लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ पर्पल कैरेक्टर मेंडल दस कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरमेंट विद सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टू जेक हिस् एजम्शन एंड विदर द कैरेक्टर वी आर रिप्रेजेंटेड बाई पेयर ऑफ फैक्टर एंड अमंग अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैक्टर वन वॉज डोमिनेंट तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट को उन्होंने चूज किया और उनका स्टडी किया और जो डामिनेंट था वही क्या हो गया नेक्स्ट जनरेशन में आ गया सम मॉर एजम्शंस एज वी हैव स्टडीड सो फार वी नो दैट मेंडल प्रिपेयर प्योर वेराइटीज ऑफ प्लांट फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड देन स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद में जो भी आ, प्लांट चूज किए हैं वो प्योर वेराइटी के जैसे पर्पल कलर फ्लावर प्लांट है तो प्योर वेराइटी और पर्पल कलर फ्लावर पी प्लांट तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी प्लांट चूज किए हैं वो कैसे थे प्योर वेराइटीज के थे मेंडल स्टार्टेड इज एक्सपेरिमेंट विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किया पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर रिप्रेजेंटेड किया उन्होंने वीवी से पर्पल को और स्मॉल वीवी से व्हाइट को देयर मेल एंड फीमेल वुड बी पर्पल ये देखिए यहाँ पे पर्पल वीवी कैपिटल वीवी एंड स्मॉल वीवी रिप्रेजेंट व्हाइट तो पहला जो एफन जनरेशन आया तो इसमें आप देखोगे ये आपका व्हाइट कलर का प्ला, पी प्लांट है ये पर्पल कलर का है तो इसमें जो भी आपको मिल रहा है वो हैट्रोजाइगस है स्मॉल वी एंड कैपिटल वी रिप्रेजेंट हेट्रोजाइगस बट ड्यू टू डोमिनेशन ऑफ दिस पर्पल कलर प्लांट इन एफ जनरेशन मैक्सिमम कलर फ्लावर ऑफ द कलर इज पर्पल यहाँ पे जो भी आपको मिल रहे है हेट्रोजाइगस ही मिल रहे होमोजाइगस तो कोई मिल ही नहीं रहा है पोलिनेशन के बाद तो ये जो हैट्रोजाइगस है इसमें डोमिनेटिंग करेक्टर जो है वो किसका है पर्पल कलर का इसलिए मैक्सिमम फ्लावर का कलर जो आपको मिला है वो कौन सा है पर्पल कलर का बट एफ टू जेनरेशन अब इनको आप क्रॉस पॉलि इनका आप जब वेराइटी लोगे सीड का और इसको सो करोगे उसके बाद जो एफ टू जनरेशन आपको मिल रहा है तो उस एफ टू जनरेशन में आपको कुछ होमोजाइगोज भी मिले जैसे कैपिटल वी वी स्मॉल वी वी तो ये टोटली वाइट और पर्पल कलर है इसमें वाइट और पर्पल दोनों मिल सकते हैं तो दिस शोज दैट सेकंड जनरेशन य्वेंटी फाइव परसेंट प्लांट इच बियरिंग पर्पल एंड वाइट फ्लावर वेराइटीज इसमें देखिए यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट और यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट टोटल आपको वाइट और पर्पल मिल रहे हैं वाई फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्लांट बियरिंग पर्पल आल आर लाइक दोज ऑफ टेन आफ्टर एफ वन जनरेशन द पेरेंटल जेनरेशन फॉर एफ टू एफ वन जो है एफ टू के लिए क्या हो जाएगा पेरेंटल जनरेशन हो जाएगा और फिफ्टी परसेंट प्लांट बियरिंग पर्पल फ्लावर्स वो कहा से मिले आपको एफ वन जनरेशन से सॉरी रिप्रेजेंट हेट्रोजाइगस फैक्टर वाइल द स्मॉल वी वी रिप्रेजेंट होमोजाइगस फैक्टर तो ये आपका हेटेगस है तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है यहाँ पर्पल कलर के फ्लावर्स मिल रहे हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर यदि पर्पल है तो और ये ऑलरेडी पर्पल कलर का फ्लावर एंड दिस वन इज वाइट फ्लावर वी नो दैट दैट फैक्टर रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर आर कॉल्ड एज जीनो ऐसा फैक्टर जो कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं जीनो टाइप वाइल कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड फिनो टाइप बट वेन द साइंटिस्ट ए

और आपका खुद का है दैट इज़ फिनोटाइप बट साइंटिस्ट जो है एक जिन्होंने नाइनटीन हंड्रेड नाइन में इसका स्टडी किया जिनका नाम था जॉनसेन वो उन्होंने बताया कि जो हम लोग जिसको जीनो टाइप बोलते हैं तो जीन है ये जीन क्या है एक्चुअली इट इज़ द यूनिट ऑफ फैक्टर जीन क्या है जीन इज़ द यूनिट ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन अ सेल एक सेल में ये यूनिट प्रेजेंट होता है और ये कैसे फॉर्म होता है ये यूनिट तो बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट मेल और फी, फीमेल कम्यूट का फ्यूजन होता है तब ये जीन फैक्टर फॉर्म होता है जीन इट इज अ यूनिट ऑफ फैक्टर एंड दे फॉर्म जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म शो लॉट ऑफ सिमिलैरिटी अक्रॉस जनरेशन और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलती है फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट फिनोटाइप इज द वेरिएशन कॉज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट और फिनोटाइप जो है हम इसको एक्वायर करेक्टर भी बोल सकते हैं ये एक वेरिएशन हम उसको मिलता है आपको करेक्टरिस्टिक में एंड इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म विद द सेम जिनोटाइप कॉम्बिनेशन उनका कॉम्बिनेशन तो सेम है बट इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पर उनके इसमें कुछ क्या हो गए हैं चेंजेस आ गए हैं इट इज़ फिनोटाइप दस फिनो जिनोटाइप आर हेरिटेबल कैरेक्टर इसलिए हम जीनो को बोल सकते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर एंड फिनोटाइप्स आर नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर फिनोटाइप्स आर नॉन हेरिटेबल या बोल सकते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर है मीनिंग एंड यूज आई थिंक जीनो एंड फिनो टाइप दैट मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर टू एंड वॉट इज जीन इज ऑल्सो क्लियर टू यू नावलेक् सी वॉट इज मेंडल लॉ मेंडल स्लॉ क्या है फॉर्मेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल कमिट देट मिक्स विद ईच अदरडेल ने क्या ऑब्जर्व किया था जब कमिट फॉर्मेशन होता है कमिट कैसे फॉर्म होता है तो पेयर ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंटिंग करेक्टर जो कमिट में जो उनको Uh, क्या बोल रहे हैं पेयर ऑफ फैक्टर्स मिल रहे हैं जो कैरेक्टर के वो कैसे इंडिपेंडेंट है जब झाइकोट फॉर्म होता है झाइकोड कैसे फॉर्म होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टू फॉर्म अ झाइकोट तो उसमें भी वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स है पेरेंट साइड के मतलब मदर साइड के और फादर साइड के वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंट एंड दे डिड नॉट मिक्स बी ईच अदर एज़ फॉर एग्जाम्पल द कमिट्स ऑफ पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर पियरिंग प्लांट वुड हैव अ फैक्टर फॉर पर्पल एंड दैट ऑफ व्हाइट तो हम बात करते हैं यदि पर्पल और व्हाइट फ्लावर कलर के प्लांट की तो पर्पल कलर का पर्पल कलर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक और वाइट कलर जो है फ्लावर का कलर ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए इसलिए हमें क्या हो गया है कि नेक्स्ट जनरेशन में दोनों कलर के फ्लावर मिल गए दस तो आई गोट फॉर्म बाय द फ्यूजन एम मेल एंड फीमेल गमिट वुड हैव अ पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ द टाइप ऑफ कलर इट वुड बी वी वी और वी वी फॉर पर्पल कलर पियरिंग प्लांट और फॉर व्हाइट कलर दैट फैक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ इच एज गमिट आर फॉर्म एंड डू नॉट मिक्स इन झाइगोड वॉज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो मैंडल का लॉ जो है सेग्रीगेशन का वो बताता है कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है जब भी झाइगोट फॉर्म हो रहा है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट दैट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है डिड नॉट मिक्स विथ ईच अदर वो मिक्स नहीं हो रहा है सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट इसीलिए इसको बोला गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंडल डिड नॉट स्टडी जस्ट सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बट ही कंबाइंड टू और मोर पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टू सी वॉट वुड हैपन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गमेट ऑफ सच प्लांट उन्होंने पेयर कंट्रास्टिंग पेयर का पूरे पेयर का स्टडी नहीं किया है बट टू और मोर पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का इन्होंने गमिट फॉर्मेशन के समय स्टडी किया वेदर द कैरेक्टर वुड मिक्स और नॉट ही आल्सो वांटेड टू स्टडी वेदर कैरेक्टर इन्फ्लुएंस इच अदर द डिस्कशन ऑफ मेंडल्स क्रॉस विथ मोर देन अ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर इज गिवन इन द चैप्टर नाउ सी मेंडल ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉसेज ऑफ सिमिलर एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ एरिडिटी इस तरह से मेंडल का जो ऑब्जर्वेशन रहा सिमिलर और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का ये हेरिडिटी के लिए बेस बन गया नो बडी ड्यूरिंग हिस टाइम कुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज वर्क इट वॉज अबाउट थर्टी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ दैट साइंटिस्ट वर्किंग इन द एरिया हेरिडिटी कुड रिकोगगनाइज एंड अप्रिशिएट द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ हिज वर्क मतलब उस समय या उनके मृत्यु भुण, के तीस साल बाद तक तीस साल तक इनके वर्क के कोई मतलब उनके उनके वर्क को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया या बोल सकते हैं कि उनके रिसर्च पेपर को अच्छे से कोई स्टडी नहीं किया बट उनके डेथ के तीन से तीस साल बाद जब साइंटिस्ट ने इस एरिया में वर्क हेरिडेट के इसमें रिसर्च शुरू किया तब उनको पता चला कि इन्होंने जो वर्क किया है इन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वी डू नो हाउ

और कोडोमिनेंट कैरेक्टर एज इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप तो ये जो कैरेक्टर्स, मतलब ऑसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे तो ये दे डू नॉट हैव फैक्टर्स इन पेयर्स तो वहाँ पे फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में होते ही नहीं हैं जैसे बात करते हैं मस्टर्ड की तो वहाँ पे मस्टर्ड के क्रोमोसोम जो है वो कैसे होते हैं मतलब तो उनमें कैरेक्टर जो है वो पेयर में रहते ही नहीं हैं तो वहाँ पे ये लॉ तो कम्प्लीटली क्या होगा अप्लीकेबल नहीं होगा ह्यूमन इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ये मेंडल्स का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये ह्यूमन इनहेरिटेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं वी हेर स्टडीड अ फ्यू कैरेक्टर्स इन द एक्टिविटी ऑफ मंडेलियन कैरेक्टर और दैट विच एग्जैक्टली फॉलो मैंडल्स लॉ इज अ डिम्पल चीन सिकल्स एल एनिमिया अड्रेडेड कंडीशन ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर दैट फॉलोज मैंडेलियन इन्हेरिटेंस हम लोग सिकल्स एल एनिमिया के बारे में लास्ट ईयर भी पढ़े थे और इस साल भी पड़े हैं तो सिकल सेल एनिमिया ऑल ऑफ यू नो आर हेमोग्लोबिन जो कैरियर होते हैं ब्लड सेल्स उनका कलर जो है शेप जो है सिकल सेल जैसा होता है उसकी वजह से वो जो है ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं कर पाते हैं तो वो बीमारी होती है ये बीमारी है, क्या है हम बोल सकते हैं कि ये, ये है, इनहेरिटेंस क्या हेरिडिटी है मतलब पेरेंट्स में है तो ये क्या होती है, 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 है ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या दूसरा है डिम्पल चीन डिम्पल चीन ऑल्सो हेरिडेटरी कैरेक्टर। तो ये कुछ इसमें मैंटेज के लॉ को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये लॉ एकदम अप्लीकेबल है फैक्टर्स फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड देयर इनहेरिटेंस द 11th पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोजोम हैज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हेमोग्लोबिन एलैंथ पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोजोम जो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैंज़ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है वट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन हीमोग्लोबिन द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हिमोग्लोबिन एंड नॉर्मल डिसलाइक रेड ब्लड सेल टू शो अ नॉर्मल पेयर ऑफ फैक्टर वी हैव यूज सिम्बॉल आर आर अ चेंज इन द कम्पोजिशन ऑफ दिस फैक्टर लीड्स टू चेंज इन कंपोजिशन ऑफ हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिकल शेप रेड ब्लड कार्पसल्स कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर आर तो स्मॉल आर आर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है सिकल सेल वाले को और कैपिटल आर आर से रिप्रेजेंट किया है नॉर्मल अनअफेक्टेड तो यहाँ पे इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया वेरी लिटिल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली सिकल सेल ब्लड सेल्स होंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है लाइफ साइकिल ऑफ सच सेल वो कम uh, होती है पंद्रह से बीस दिन का वाइल दैट ऑफ द नॉर्मल सेल का होता है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी डेज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनिमिया बिकम टायर्ड एंड फैटिक क्विकली इट बिकम फैटल वेन द फैक्टर्स आर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव कैरेक्टर आर आर एड इन द फिगर एंड द फैक्टर फॉर्मिंग नॉर्मल हेमोग्लोबिन इज डोमेंट ओवर द ओवर दैट एबनॉर्मल टाइप अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से इसमें ऑफस्प्रिंग में ये सिकल सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया है कैरियर फादर फादर में दिया है आर और आर दोनों पेयर में है ये कैरेक्टर्स होते हैं तो यहाँ पे एक कैपिटल आर रिप्रेजेंट नॉर्मल ब्लड सेल और स्मॉल आर सिकल सेल और यहाँ पे मदर भी जो अनफेक्टेड कैरियर मदर इसमें भी आर आर है तो इनसे जो प्रोजेनी फॉर्म होगी उनमें नॉर्मल फॉर्म होने के चांसेस कितने हैं चार में से एक बट तीन दो उसमें होंगे कि उनके इसमें भी वो सिकल सेल रहेगा बट डोमिनेंट रहेगा यहाँ पे आपका कैपिटल आर दैट इज नॉर्मल सेल रेड ब्लड सेल तो यहाँ उतनी बीमारी वो महसूस नहीं होगी बट ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं यदि तो एक ऐसा रहेगा कि जिसमें टोटली totally क्या रहेगा सिकल सेल पाया जाएगा मतलब चार में से एक में वन इज अफेक्टेड टू अनअफेक्टेड कैरियर बट उनमें रहेगा और एक टोटल नॉर्मल रहेगा सिकल सेलिया एनिमिया में ऑल्सो भी अ फेवरेबल कैरेक्टर दोट कैरियर्स ऑफ द कैरेक्टर आर डेवलप रेजिस्टेंस टूअर्ड्स द मलेरियल पैरासाइट एज इट फेल्स टू कॉलोनाइज द सिकल सेल सिकल शेप ब्लड सेल मतलब मलेरिया यदि जिस क्या बोल सकते एरिया में मलेरिया की बीमारी ज़्यादा होती है वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं तो मलेरियल जो पैरासाइट है उसको मारने के लिए जो आ, ब्लड सेल्स है उसका ऐसा शेप हो जाता है ड्यू टू दिस द इंसिडेंस ऑफ सिकल्सल एनिमिया इज सील इन पेसिस दैट ऑल्सो हैव हाई इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड दिस इज नॉट ओनली फाउंड इन आवर स्टेट बट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल द वर्ल्ड स्पेशली इन सर्टन अफ्रीकन कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज में भी सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं ऐसी यहाँ जगह पे ज्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ पे मलेरिया का मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मतलब तो अपने आप को क्या करने रजिस्ट करने के लिए हमारे मलेरियल पैरासाइट के लिए इट कॉलोनाइज एंड सिकल शेप ब्लड सेल्स उसका शेप सिकल जैसा हो जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन वी हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन क्रमोजोम्स इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम ट्वेंटी थर्ड पेयर ऑफ क्रमोजोम्स आर रिस्पांसिबल ट्वेंटी थर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल कैरीज अ होमोजाइगोस पेयर एक्स एक्स वाई मेल हैव अट्रोजाइगस वन एक्स वाई वाई बींग शॉर्टर देन एक्स तो फीमेल में होता है एक्स एक्स क्रोमोजोम्स और हेट्रोजाइगस होता है मेल में वन इज एक्स एन अनदर इज वाई कमिट एज वी नो कैरी ओनली वन सेट haploid pair of set of chromosome and after the fusion of male and female commit zygote so form contain diploid pair of chromosome. स्टार्टिंग में गमेट में तो एक ही पेयर होता है सेट ऑफ क्रोमोजोम आइदर एक्सएक्स और एक्स वाई पर दोनों का फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोजोम फॉर्म होती है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड फॉर्म फ्रॉम दिस साइको डिपेंड ऑन वेदर इट हैज़ अ पेयर ऑफ एक्सएक्स क्रोमोजोम और एक्स वाई क्रोमोजोम इन द ट्वेंटी थर्ड पेयर ट्वेंटी थर्ड पेयर जो है वो एक्सएक्स है कि एक्स वाई है इसके ऊपर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो गमेट में है वो साइकोड जो है उसका मेल है कि फीमेल है ये फीमेल है, है तो डेफिनेटली फीमेल ही होगा एक्स वाई देन मेल वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड इज फिफ्टी परसेंटेज इसमें फिफ्टी परसेंट चांसेस है मेल और फीमेल चाइल्ड के हैविंग अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड इज जस्ट वन आउट ऑफ टू चांसेस नन ऑफ द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग उसके लिए कोई पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है द ह्यूमन मेल कैरियर इज वाइक्रोमोजम सो टू हैव अ मेल चाइल्ड ह्यूमन मेल माइट हैव सम रोल बोल सकते हैं कि इसमें ह्यूमन मेल कैरियर जो है वाइक्रोमोजम कैरियर जो है उसका रोल इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है बट डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते बेटर है नन ऑफ द पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम मंडेल्स कंट्रीब्यूशन टू हेरिडेटी फॉर्म द बेसिस ऑफ अवर नॉलेज ऑफ़ द सेम एंड ही इज दस कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक मैंडेल का जो हेरिडेटी का कंट्रीब्यूशन है या उनके जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा है और इनकी नॉलेज के लिए उनको आज की डेट में बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स Mendel had hypothesized that characters are expressed by a pair of factors nearly 60 years after Mendel's finding in the year 1920. Sutton, a scientist working on the chromosome of Loctus. शोर दैट मेंियन फैक्टर वे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम एंड ओनली वन क्रोमोजोम ऑफ अ पेयर ऑफ पेरेंटल क्रोमोजोम पासिस टू द ऑफ स्प्रिंग एक ही क्रोमोजोम का पेयर क्या होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग प्रोजेने तक जाता है इफ यू कंसिडर मेंपल एंड व्हाइट कलर फ्लावर ऑफ टी प्लांट वी फाइंड दैट देयर वॉज no intermixing of character it was found that they are located on different chromosomes of a pair representing the color and there is no shuffling of character यहाँ पे क्या हुआ कि जो color वाला part था character था वो अलग जगह पे था लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम अलग अलग क्रोमोजोम पे था तो उसमें शफलिंग नहीं हुआ कैरेक्टर का मेंडल फैक्टर later came टू नो एज अ gene और उस फैक्टर को उन्होंने नाम दिया जीन्स genes were आर कंसिडर एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी और अब जीन को क्या कंसिडर किया जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी वी ऑल्सो केम टू नो लेटर दैट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्पल फ्लावर कलर ऑफ पी इज ड्यू टू अ सिंगल जीन पर्पल कलर इज ड्यू टू अ सिंगल जीन एज अ रिसर्च इन द एरिया एक्सटेंडेड फर्दर एंड द जेनेटिक मटेरियल डी एन ए डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड वी केम टू नो दैट जीन वॉज दैट पार्ट ऑफ डी एन ए दैट कैरियड इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फाइनली जीन का जब रिसर्च हुआ उस एरिया में ज़्यादा रिसर्च होने लगा तब हमें पता चला कि एक जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डी एन राइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या करता है ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए वेन इवन अ सिंगल जीन इज शफल द होल ग्रुप ऑफ जीन चेंजेस एंड अ न्यू कॉम्बिनेशन इज फॉर्म एक भी जीन यदि शफल हो जाता है मिक्स हो जाता है या चेंज हो जाता है उसका पोजीशन तो न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है ऑफ स्प्रिंग विथ सच अ ग्रुप ऑफ जीन कंटेन अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन और उससे जो प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग फॉर्म हो रहा है तो उसमें टोटली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज ऑफन रेफर टू एज अ जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट द होल ह्यूमन जिनोन जीनोम हैज़ बीन मैप्ड एंड इट इज़ नाउ बीइंग यूज फॉर मेनी परपजेज़ लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज अब ये जीन्स का जो है जीन मैपिंग होता है तो उसके बाद इसका बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बॉडी में हो रहे हैं उसको केयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर यू रीड द चैप्टर ऑनेस्टली थैंक यू